हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, RGPB नवंबर 2022 सेवेंथ सेमेस्टर BE BTech बी फार्मेसी आज समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, अब जिस भी विद्यार्थी को सिक्स सेमेस्टर में बैकलॉग है तो अब उनकी बारी आ गई है सिक्स सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि सेवन्थ सेमेस्टर का करंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो गया है और सिक्स सेमेस्टर का एग्जामिनेशन टाइम टेबल ऑलरेडी ही आ गया है। तो दोस्तों, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के जो बैक एग्जामिनेशन होने हैं उसमें जो इंस्टीट्यूशन यानी सेंटर टाइप का जो रहता है वो अदर कॉलेज बता रहा है। तो दोस्तों, उसमें एक कन्फ्यूजन टाइप का हो रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कॉलेज का कॉलेज बता रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बता रहा है अदर कॉलेजेस। तो दोस्तों, आपको बता दें, अब जिनका भी बैकलॉग है, बैकलॉग दो प्रकार का हो सकता है, आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में यानी कि सेशनल एग्जामिनेशन में, या फिर आपका हो सकता है थ्योरी एग्जामिनेशन में। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि थ्योरी एग्जामिनेशन में ही होता है। तो किस केस में अदर यूनिवर्सिटी में या फिर अदर कॉलेज में से आपका एग्जामिनेशन होता है, तो दोस्तों, आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन का बैक एग्जामिनेशन होता है वो मोस्टली चांसेस आपके कॉलेज में ही होगा उसका बैक एग्जामिनेशन। बाकी जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है उसके दोस्तों 80-90% चांस यही रहते हैं कि अदर कॉलेज में उसका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका बायवा टाइप का क्वेश्चन रहता है और जो आपसे रिटर्न वर्क कराया जाता है वो भी। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सटर्नल में बैक है यानी कि सेशनल मार्क्स या फिर आपका सेशनल नंबर कम था तो आपको उसमें बैक लग गई थी, उसमें बैक है तो आपको अदर यूनिवर्सिटी या फिर अदर कॉलेजेस जाना पड़ सकता है एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन आपको अगर थ्योरी एग्जामिनेशन में बैक लगी है तो दोस्तों, आपको आपकी कॉलेज में ही बैक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, अच्छे से देख लीजिएगा सिक्स सेमेस्टर वाले खासकर। बाकी यही सेम चीज़ सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के लिए अप्लाई होती है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका थ्योरी एग्जामिनेशन आपकी ही कॉलेज में होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मोस्टली चांस यही रहते हैं कि अदर कॉलेजेस में हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।